एक से एक धमाकेदार कॉमेडी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। वेलकम वेलकम, वी मिस यू सो मच। कैसा रहा यूरोप का टूर? दुनिया देखी, गुड एक्सपीरियंस। हाँ, इसी एक्सपीरियंस की कमी थी जिसके लिए उस दिन तुमने शादी के लिए इनकार किया था। बताओ अब शादी के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? अबे शादी की बात मत कर, वरना फिर मेरी बेटी फिर नाराज होके कहीं यूरोप के टूर पे चली जाएगी। हाँ नहीं नहीं, अब आप जहाँ कहेंगे मैं वहाँ शादी कर लूंगी। I have no complaints। अरे वाह, अगर मुझे पहले मालूम होता कि मेरी बेटी यूरोप जाके अपने ख्यालात इतने बदल देगी तो मैं इसकी पढ़ाई लिखाई सिर्फ यूरोप में ही कराता। मेरी बेटी ने शादी के लिए यहाँ कर दी है, जिंदगी के मेरे सारे टेंशन दूर हो गए। भाई साहब, शादी बड़ी धूमधाम से होनी चाहिए। अरे तू जाके जल्दी शादी का फर्स्ट क्लास इंतजाम कर बस। आप देखते रहिए भाई साहब, दिल्ली का नंबर वन केटरर और नंबर वन टेंट वाला पकड़ के लाता हूँ। ओ भाई शेखर, ओ भाई जल्दी से सामान उतार दो फटाफट, और टाइम बहुत कम है, काम बहुत ज्यादा है। अरे चौधरी, चौधरी आप और कमाल है। और भाई यूरोप टूर के बाद तो आपकी बहुत याद आई और भाभी जी की भी बहुत याद आई। भाभी जी की राखी वाले दिन आपको बहुत फोन कर रही थी। और भाई फोन तो मैंने भी किए थे, एक फोन किया कोई नहीं मिला, दो फोन किए कोई नहीं मिला, तीन फोन किए कोई नहीं मिला, और साहब मैं चुप। कोई मिलेगा कैसे, मैंने गलत नंबर दिया था ना। और गलत नंबर? ये वो अंजलि तो नहीं? अंजलि कौन? वही टूर वाली अंजलि, राज वाली अंजलि। वो पीछे से तो अंजलि दिखाई दे रही। और जी टायर होना जरा, ओए तो अंजलि है। अंजलि देखो भाईदास भाई, मैं तो पीछे से। चौधरी जी आप, भाईदास भाई आप। ओ कैसी हो पुत्र, कैसी? ये तो इंडिया में बिल्कुल वैसी लग रही है जैसे यूरोप में लग रही थी। अरे तुम एक दूसरे को जानते हो? ओ भाई जानते क्या है जी, पहचानते भी हैं, टूर में जो मिले थे। भाई मैं तो ये जानने के लिए बेचैन हो रहा हूँ कि एंड में तेरे और राज के चक्कर का क्या हुआ। चौधरी जी ये मेरे डैडी और ये मेरी मम्मी। माँ बाप तो सभी के होते, तू मुझे पहले ये बता कि राज के साथ तेरा झगड़ा खत्म हुआ कि नहीं, और ये शादी किसकी हो रही है? ओए, शादी अंजलि की हो रही है, और किसकी हो रही है? एक मिनट, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। तू राज को टूर में मिली? हाँ। और तेरा राज के साथ झगड़ा हुआ, अभी तू शादी राज के साथ कर रही है किसी दूसरे के साथ कर रही है? ये राज कौन है? मैं किसी राज को नहीं जानती। आप दोनों को यहाँ पे किसने बुलाया? बंगले के मालिक ने। मुझे टेंट लगाने के लिए और मुझे कैटरिंग करने के लिए। अच्छा, Who are you? Who am I? I am the boss of this bloody bungalow. अरे बंगले का बॉस है ये। आप बॉस, जाओ अपना काम करो और सुनो, किसी से कोई बात करने की जरूरत नहीं है, समझे? पता नहीं कौन से नमूने ले आया। आप ही ने कहा था दिल्ली के सबसे कमाल का आदमी है, मेरे को नमूना बोल रहा है। क्यों पादास भाई, मैं किसी भी एंगल से आपको नमूना दिखाई देता हूँ। आज शुभ दिन है, मुझसे झूठ मत बोलवाओ। ओ भाई टेंट लगवाओ जल्दी जल्दी। बेटे जब से तू भवन से आया एकदम देवदार बन के बैठा, ये कोई तरीका है क्या? सच्चन बता मैटर क्या है? जात की बात नहीं करने का, पैसे पूछो। कोई पुत्र कितने तेरा मूड ऑफ कर दिया है, मैं उसकी जिंदगी की लाइट ऑफ कर दूंगी। कौन ऑफ हो गया, मुड़वा किधर है, उड़ा डालूंगा। अबे चुप कर, दिन भर पीता रहता है, सोता रहता है, कुत्ता तो साला उल्टी सुलटी बातें करता है, मुर्गा के जरा उड़ा डालूंगा, ये कोई तरीका है क्या? दादाजी व्हाट्स हैपनिंग, व्हाट्स रॉन्ग विद माय ब्रदर? बेटे कहीं ये रोमांस का चक्कर तो नहीं है? ओह माय गॉड, बज गई, डेफिनेटली रोमांस का चक्कर है। हेलो, ओ भाई राज मैं बोल रहा हूँ, चौधरी। कौन चौधरी? ओ भाई वो फिर तो तेसे बोली मैं ना, क्या कहना, यूरोप टूर वाला चौधरी। हाँ चौधरी जी बोलिए बोलिए। ओ भाई यूरोप टूर के बाद हमने तो सोचा था कि अंजलि की शादी तेरे से होगी, लेकिन अंजलि तो अकेले यहाँ शादी कर रही है। अंजलि की शादी? अच्छे माँ बाप है इसके, दूसरी शादी भी धूमधाम से कर रहे हैं। ओ खोते, पहले पहली शादी होगी फिर दूसरी शादी होगी ना, बल्कि वो तो ये समझ रही है कि तेरी शादी पहले से हो चुकी है। क्या अंजलि की शादी नहीं अभी तक? क्या मेरे दोस्त की वाइफ नहीं है? वो दोस्त को मार गोली यार, वो सिर्फ तेरी वाइफ हो सकती है और किसी की वाइफ हो ही नहीं सकती है। फटाफट दिल्ली आ जा। ओ तू सोच रहा होगा कि हीरोइन तक पहुंचेगा कैसे, तो सुन मेरे पाई हीरो, हीरोइन तक पहुंचाने का जिम्मा हमारा, और अगर नहीं पहुंचा सके ना तो हमारे ब्यूटीफुल फेस पे तू थूक देना। और तू तू मेरे मोबाइल का बिल मत बढ़ा यार, जल्दी से फ्लाइट पकड़ के आ जा तू यार। अरे फ्लाइट से क्या, मैं उड़ के आ रहा हूं, मैं दौड़ के आ रहा हूं, मैं तैर के आ रहा हूं। मम्मी डैडी दद्दू दादी मिलो, मैं जा रहा हूं और इस घर की बहू ला रहा हूं। ये सीढ़ियों से ऊपर जाना
फिर राइट में मुड़ जाना, फिर लेफ्ट में मुड़ जाना, हाँ? वहाँ लड़की का दरवाजा होगा, खोल के अंदर चले जाना, ओके? चलो हम लोग चलते हैं। चलो भाई, दिस इज वेरी बैड। थू। और राजू यार उसके बड़े दांत वाले बाप को जानता नहीं है, बड़ा क्रूर आदमी यार, मैं टेंट कैंसिल कर देगा। मिस्टर चौधरी, दिस इज वेरी बैड। थू। यहाँ पे थूकना मत, मार्बल है, हम लोग फिसल जाएंगे। देन कम ऑन मैन, कम ऑन, चलो चलो। जैसे बताया वैसे किया मैंने। गड़बड़ नहीं की। अरे सुनो, अजी मुंह पे हाथ सुनाई नहीं दे रहा है। अबे पीछे मुड़ेगा तभी तो सुनाई देगा ना। मुड़ने के लिए कहोगे तो मुड़ेंगे ना, सुनने के लिए कहोगे तो कैसे मुड़ेंगे हम लोग। अरे ये केटरिंग वाला है ना, और ये टेंट वाला, टेंट वाला। और तुम ये मान, अबे यार भाई ऑर्केस्ट्रा मैन है। अबे ऑर्केस्ट्रा मेरे सर के ऊपर बैठ के बजाएगा क्या? No, we just wanted to have a chat with you. If you want me to make you listen some particular number which you like. अबे चुप। And चलो, I promise I can make you listen some romantic number. क्या टेंट वाला? पता नहीं कहाँ से नमूने ले आता है तू। और फिर नमूने कह रहा है यार, चल। ओके। इतनी बेइज्जती मैंने जिंदगी में एक साथ कभी नहीं झेली है। अच्छा? पहले झेली है, मगर इंस्टॉलमेंट में। मेरे फादर इन लॉ ने सबके सामने मेरी इंसल्ट कर दी। मैंने भी उनकी बेटी को भरी महफिल में अपने सामने बुलाकर खड़ा ना कर दिया ना, तो मैं भी उनका होने वाला दामाद नहीं। एंड राज, यू आर ग्रेट। तुम इस कपड़े में कितनी खूबसूरत लग रही हो अंजलि। अंजलि, हम दोनों गलत फहमी हो गई थी कि हम शादीशुदा है, लेकिन मेरे यकीन मानो मेरी गलत फहमी दूर हो चुकी है। और मैं तुम्हारी कसम खा के कहता हूँ, मैं शादीशुदा नहीं हूँ, आई एम अ बैचलर, मैं आई एम अ बैचलर। और अगर तुम तैयार हो तो मैं इसी वक्त तुमको यहाँ से लेके भाग जाने के लिए तैयार हूँ। और बातचीत तब तक बंद ही नहीं हो रही है, और लाइट ऑन करूँ क्या? अंजलि अंजलि, ये तुम्हारे हाथ से डर लिए, रफ कैसे हो गए? ऑन। कौन है तुम? मैं राज, आप कौन? मैं अंजलि की माँ। ये क्या कह दिया? राजू इधर 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 तू इधर है, कौन है? वो कह दिया जो कहना था। माँ को बोला? फिर पहले से बोलना चाहिए ना, माँ में इंटरेस्ट है तो वैसा सेटिंग करते ना। ओ राज, ये खड़े खड़े क्या कर बैठा तू? ओ यार तू ये बता, वो बेटी के नाम से इतना भड़क रहा है तो बीवी का नाम सुनेगा तो गोली मार देगा एकदम। चौधरी साहब, वो दंत मंजन आ रहा है। कहाँ है वो? वो देखो, वो कह रहा था कि हमारी बेटी को भगा के ले जाएगा। अबे क्या बोल रहा था मेरी बीवी को? तू मेरी बेटी को भगा के ले जाएगा? या आप लोगों ने बिल्कुल ठीक सुना है, अगर आप लोगों ने मेरी अंजलि की शादी कहीं और करने की कोशिश की तो मैं अंजलि को भगा के ले जाऊंगा। बाप का राज है। या आई एम राज, मेरा नाम राज है और मैं अपने बाप का राज हूं, इसलिए कि मेरा नाम राज है। अबे देख, मैंने तेरे जैसे सड़क छाप मजनू कई देखे, तू चुपचाप जाता है यहाँ से या बुलाऊं पुलिस को? ओके, यू आर कॉल पुलिस, यू आर कॉल पुलिस, तो मैं भी पूरी महफिल में चिल्ला कर ऐलान कर दूंगा कि आपकी बेटी और मेरा चक्कर था, और 16 दिन और 17 रातें हम लोग एक साथ यूरोप में थे। उसमें शायद ही कोई शरीफ आदमी होगा जो अपने बेटे की शादी आपकी बेटी के साथ करेगा। अजीब आदमी हो तुम, जिस लड़की के साथ तुम प्यार करते हो उसके माँ बाप की इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं तुम्हें? देखिए, अगर आप लोगों ने अंजलि की शादी कहीं और करने की कोशिश की तो मैं आप लोगों की बहुत बेइज्जती करूंगा, और अगर आप लोगों ने उसकी शादी मुझसे की तो मैं आप लोगों की बहुत इज्जत करूंगा। आई वॉश योर फीट। अबे ओ मजनू की औलाद, गौर से सुन मेरी बात, मेरी बेटी की शादी तेरे साथ नहीं होगी। देखिए, आप भी मेरी बात कान खोल कर सुन लीजिए कि आप ही मेरे फादर इन लॉ बनेंगे, बनेंगे, बनेंगे एंड बनेंगे मैन।